नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों क्या आप ये जो वीडियो में पौधा देख रहे हैं इसका नाम जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो वीडियो में बने रहिए, आगे मैं इसका नाम और इसके फायदे बताने ही वाला हूँ। दोस्तों ये है भुई आंवला, इसे भुई या भूमि आंवला के नाम से जाना जाता है। भूमि आंवला एक जड़ी बूटी है। आयुर्वेद के अनुसार भूमि आंवला का इस्तेमाल चिकित्सा कार्य जैसे लोगों की अनेक बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। भूमि आंवला का उपयोग सिर्फ रोगों को ठीक करने के लिए ही नहीं बल्कि भूख और कामोत्तेजना बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। भूमि आंवला स्वाद में चरपरा, कसैला तथा मीठा होता है। यह अधिक प्यास लगने की परेशानी, खांसी, खुजली, कफ और बुखार आदि में तो फायदा पहुंचाता ही है, साथ ही लीवर से किसी प्रकार के रोग दिव्य औषधि माना जाता है। अगर आप इसका लेप घाव पर करेंगे तो इसे घाव का सूजन ठीक होता है, साथ ही साथ घाव भी ठीक हो जाता है। यह कुष्ठ रोग से भी छुटकारा दिलाता है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये भूमि आंवला हमारे लिए कितना फायदेमंद है। दोस्तों आखिर भूमि आंवला का परिचय क्या है वो थोड़ा सा जान लेते हैं। भूमि आंवला के छोटे छोटे पौधे वर्षा ऋतु में उत्पन्न होते हैं। ये पौधे शरद ऋतु में फूलने फलने के बाद गर्मी के मौसम में सूख जाते हैं। इसके फल धात्री फल की भांति गोल लेकिन आकार में छोटे होते हैं, इसी कारण इसे भूधात्री भी कहते हैं। दोस्तों इस भूमि आंवला का वनस्पतिक नाम फाइलेंथस यूरिनेरिया है। इसका जो अलग अलग जगहों पर नाम है या अलग अलग भाषाओं में नाम है वो जान लेते हैं। हिंदी में भूमि आंवला, भूरी आंवला, भुई आंवला, हजार मड़ी, लाल भुइयो आंवला, कन्नड़ में केम्पुकु किराले नेल्ली, गुजराती में भोय आंवली, तमिल में शिवापु नेल्ली, नेपाली में भुई आंवला, मराठी में भुई आंवला, मणिपुरी में चकप्पा हैकरू के नाम से जानते हैं। चलिए अब बारी बारी से जानते हैं कि आखिर ये कौन से बीमारी में किस प्रकार से काम आता है और किस प्रकार से हमें इसका इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आ चुकी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए। आप जितना शेयर कीजिएगा उतना ज़्यादा लोगों का जानकारी बढ़ेगा और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। श्वसन तंत्र विकार में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। श्वसन तंत्र संबंधी विकार को ठीक करने के लिए भूमि आंवला बहुत फायदेमंद होता है। भूम्यामकली की 10 ग्राम जड़ को जल में पीसकर उसमें एक चम्मच मिश्री या शहद मिलाएं। इसे पिलाने से और इसको नाक के रास्ते से देने से श्वास रोग में लाभ मिलता है। भूमि आंवला के 50 ग्राम पंचांग को आधा लीटर जल के साथ औटें और उसके बाद से जब इसका एक चौथाई बच जाए तो इस काढ़े को एक एक चम्मच दिन में दो बार पिलाने से श्वास रोग में भी लाभ मिलता है। उसके बाद घाव सुखाने में भूमि आंवला के रस को घाव में लगाने से घाव ठीक होता है। इसी तरह भूमि आंवला की पंचांग को चावलों के पानी के साथ मिलाकर और उसे पीसकर घाव पर लगाने से घाव का सूजन ठीक हो जाता है। आमलकी के पत्तों का काढ़ा बनाकर घाव को धोने से भी घाव ठीक होता है। भुई आंवला के कोमल पत्तों को पीसकर घाव पर लगाने से भी घाव जल्दी भरता है। अगला है खुजली। भुई आंवला के पत्तों को पीसकर उसमें नमक मिलाकर खुजली पर लगाएं, खुजली ठीक हो जाती है। भुई आंवला के कोमल पत्तों को चोट पर लगाने से चोट की पीड़ा शांत हो जाती है और इसे जांघों की भी खुजली में लगाया जा सकता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अपने खुजली के ऊपर इसे लगाने से पहले एलोवेरा से या गुनगुने पानी से साफ कर लेना होगा। उसके बाद है आँखों की बीमारी। तांबे के बर्तन में भुई आंवला को सेंधा नमक के साथ मिलाकर इसे घी से और इसे आँखों के बाहर लेप करने से आँख के रोग में लाभ होता है। उसके बाद है मुंह के छाले। भुई आंवला के 50 ग्राम पत्तों को 200 ml जल में हिम बनाएं और इसके बाद इसी जल से आपको कूला करना है। कूला करने से आपके मुंह के जो छाले हैं वो ठीक हो जाते हैं। अगर आप खांसी की समस्या से परेशान हैं
तो इसमें बहुत ही जल्द ये राहत दिलाता है। भुई आंवला के 50 ग्राम पंचांग को आधा लीटर जल में गर्म करें और उसके बाद से आपको तब तक इसे गर्म करना है जब तक कि ये आधा चौथाई ना रह जाए। तो काढ़ा जो आपको तैयार होगा उसे एक चम्मच दिन में दो दो बार पिलाने से खांसी में लाभ मिलता है। इस तरह पीपली, लाल चंदन, भुई आंवला, सरीवा तथा अतीस आदि द्रव्यों से बने घी का नियम से सेवन करने से भी खांसी की बीमारी आराम दिलाता है। पेट के रोग में बहुत ही ज़बरदस्त फायदे पहुंचाता है। भुई आंवला के 20 ग्राम पत्तों को 200 ml जल में उबालें और इसे छानकर थोड़ा थोड़ा पीने से पेट दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद से है कि भुई आंवला की जड़ और पत्तों से बने ठंडे पदार्थ को लगभग 10 से 20 ml मात्रा दिन में दो बार लेने से जलोदर रोग में भी लाभ होता है। भुई आंवला के 50 ग्राम पंचांग को 400 ml पानी में पकाएं। जब पानी का एक चौथाई भाग बच जाए तो इस काढ़े को 10 ml की मात्रा में दिन में तीन बार चार बार जरूर पिएं। इससे आपके जलोदर में और भी लाभ मिलेगा। आंतों के रोग में लाभ पहुंचाता है। छाया में सुखाए हुए भूमि आंवला को मोटा मोटा कूट कर रख लें। 10 ग्राम भूमि आंवला को 400 ml पानी में मिलाकर और उसके बाद से जब एक चौथाई इसका बचेगा तब आपको इसे छान करके और सुबह खाली पेट रात में भोजन करने से एक घंटा पहले सेवन करें। यह आंतों में होने वाले अल्सर को ठीक करने के लिए चमत्कारिक औषधि माना जाता है। सिर दर्द में आराम दिलाता है। सिर दर्द से आराम पाने के लिए घी में पिपली, लाल चंदन, भुई आंवला इन सारे चीज़ों को मिला करके आपको पीना है और उसके बाद से आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। माइग्रेन की समस्या के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। बुखार की समस्या को बहुत ही जल्द ठीक करता है। घी में पिपली और लाल चंदन मिला करके और पानी में इसे मिला लें। पानी में मिलाने के बाद से इसे उबाल लें। उबालने के बाद से इसका जो भी काढ़ा होगा उससे आपको सुबह और शाम को पीना है। इससे बुखार की समस्या ठीक हो सकता है। मूत्र रोग यानी कि पेशाब से जुड़ी समस्याएं। 10 ml भुई आंवला के रस में जीरा तथा चीनी मिलाकर पिलाने से पेशाब में जलन सहित अन्य मूत्र विकार ठीक होते हैं। एक चम्मच भुई आंवला के पत्ते से रस में जीरा और चीनी मिलाकर देने से पेशाब की जलन की परेशानी में बहुत ही जल्द राहत मिलता है। मासिक धर्म में विकार। 5 ग्राम बीज के चूर्ण को चावलों के धोए हुए पानी के साथ 2 या 3 दिन पीने से मासिक धर्म में फायदा मिलता है। इससे मासिक धर्म के दौरान अधिक खून आना बंद हो जाता है। इसकी जड़ के चूर्ण को भी इसी प्रकार देने से लाभ होता है। इसके बाद है डायबिटीज़। 15 ग्राम भुई आंवला पंचांग चूर्ण, 20 काली मिर्च चूर्ण मिला लें। इसे 2 दिन 3 बार सेवन करने से डायबिटीज़ में लाभ मिलता है। इसके बाद है लीवर रोग। लीवर रोग के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त माना जाता है। छाया में सुखाए हुए भूमि आंवला के मोटा मोटा कूट कर आपको इसे रखना होगा और इसे पानी में मिला करके काढ़ा बना करके आपको पीना होगा। दोस्तों, भूमि आंवला इस्तेमाल आपको जितना भी मैंने बताया उसे लिमिट में करना है। इसके बाद से आपको मैं इसका कुछ नुकसान बताने जा रहा हूँ। इसका कौन कौन से लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना है वो आप एक बार ज़रूर जान लीजिए। दोस्तों, जो ब्रेस्ट फीड महिला करा रही है उसको इसका इस्तेमाल नहीं करना है, या जिन व्यक्तियों को बहुत ही तेज खांसी, सर्दी, बुखार, जुकाम है उन व्यक्ति को एक लिमिट मात्रा में इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद से जो महिला पेट से है उनको भी इस्तेमाल नहीं करना है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की जानकारी। हमारी जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही नए और बिल्कुल इंटरेस्टेड जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।